दक्षिण की सियासत आपको दिखा देते हैं। दक्षिण भारत में कैसे बीजेपी को मिला है नया साथी, अब उसकी बात। इन दो पार्टियों में से एक ने मोदी से गद्दारी की तो दूसरे ने की है यारी। 2014 के चुनाव में मोदी के चेहरे पर विश्वास करके आंध्र के लोगों ने टीडीपी को जिताया था, लेकिन यही टीडीपी मोदी के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। जबकि 2014 में जिस AIADMK ने मोदी लहर के बावजूद 39 में से 37 सीटें जीती थी, उस पर पार्टी ने मोदी का साथ दिया। भारतीय राजनीति के ये दो रंग हैं जिसका असर 2019 के चुनाव पर पड़ने वाला है। इन दोनों पार्टियों का प्रभाव दक्षिण के अपने अपने राज्यों में है। जानकार मानते हैं कि कल बने नए समीकरण से साउथ में बीजेपी को फायदा ही होगा। टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन टूट रहा है बीजेपी से, और AIADMK बीजेपी के साथ आ रही है। अगर कुल मिला के देखें नफा नुकसान की बात, तो बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। टीडीपी बाहर जा रही है, AIADMK उनके साथ आ रही है। इन जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, इन राज्यों के हिसाब से बीजेपी की संख्या 2014 की तुलना में इन राज्यों में बढ़ सकती है, इन राज्यों में घटने की गुंजाइश नहीं है। खास बात यह है कि दक्षिण की इन पार्टियों का कोई सैद्धांतिक दीन ईमान नहीं है, लिहाजा 2019 के चुनाव के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज विरोध करने वाली पार्टियां तब जरूरत पड़ने पर मोदी का साथ नहीं देंगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।